हेलो एडिटर, हाजिर हूँ एक नए वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। इस वाले इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए आपको मैं बिल्कुल ही आसान तरीका बताने वाला हूँ, जिसे आप फॉलो करके आप भी अपनी वीडियो में ऐसे इफेक्ट जो है लगा सकते हो। इसके लिए आपको एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद जो नीचे में प्लस का आइकन दिखेगा, इस पर टैप कर देना होगा और यहाँ पर जो वीडियो का रेशियो होगा उसको सेलेक्ट करके नीचे में क्रिएट प्रोजेक्ट पर चले जाना होगा। क्रिएट प्रोजेक्ट पर जाने के बाद आपको दोबारा से प्लस का आइकन दिखेगा, तो इस पर आपको टैप कर देना होगा और उसके बाद आपको मीडिया वाला ऑप्शन पर चले जाना होगा। मीडिया वाला ऑप्शन पे जाने के बाद आपको अपने गैलरी में से अपने वीडियो को ऐड कर लेना होगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक वीडियो को ऐड कर लिया हूँ। अभी इस वाले वीडियो में इफेक्ट जो है अप्लाई नहीं है। तो जैसे आप वीडियो ऐड कर लोगे तो अपने वीडियो वाले लेयर पर आपको टैप कर देना होगा और यहाँ पर जो इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको चले जाना होगा और आपको ऐड इफेक्ट पर टैप कर देना है। ऐड इफेक्ट पर टैप करने के बाद आपको ऊपर में सर्च कर लेना है चैनल RGB, तो CH लिख के आपको सर्च करना है। ये वाला इफेक्ट जो है मिल जाएगा, इस पर आपको टैप कर देना होगा और चले जाना होगा इसके स्टैंडर्ड सेटिंग पे। स्टैंडर्ड सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर चार लाइन दिख रहा होगा RGBA, तो सेकेंड और थर्ड वाला लाइन बदल देना है। तो सेकेंड वाला लाइन बदल के आपको यहाँ पर Y पे कर देना है और थर्ड वाला लाइन बदल के आपको यहाँ पर G पे रख देना है। बस इतना रखोगे तो आप देखोगे आपके वीडियो में हल्का फुल्का इफेक्ट जो है दिखने लगेगा। उसके बाद आपको अपने चैनल RGB रैम पर एक बार टैप कर देना होगा और ऐड इफेक्ट पर चले जाना होगा। और सेकेंड वाला इफेक्ट जो है सिचुएशन वाइब्रेंस, उसको आपको ऐड कर लेना होगा। तो ACT लिख के आपको सर्च करना है, ये वाला इफेक्ट जो है मिल जाएगा, इसको ऐड कर लेना है और चले जाना है इसके स्टैंडर्ड सेटिंग पे। अब सिचुएशन वाइब्रेंस को थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना है। सिचुएशन को आपको बढ़ा के प्लस 50 तक रख लेना है। सिचुएशन को प्लस 50 रखने के बाद वाइब्रेंस वाले ऑप्शन पे चले जाना होगा और इसको आपको बढ़ा के 110 रख लेना है, 1.10:11 तक आपको इतना रख लेना होगा। उसके बाद आपको अपने वीडियो वाले स्क्रीन पे एक बार टैप कर देना होगा और यहाँ पर आपको दोबारा से प्लस का आइकन दिखेगा, तो इस पर आपको टैप कर देना होगा और यहाँ पर एक स्क्वायर के शेप को आपको ऐड कर लेना होगा और इस स्क्वायर के शेप को पूरी तरह से जूम करके अपनी वीडियो में अप्लाई कर देना होगा। उसके बाद जो यहाँ पर कलर एंड फिल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको टैप कर देना है और यहाँ से आपको इस वाले ब्लू कलर को ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आ जाना है बैक। आ जाने के बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पर आपको स्लाइड करते जाना है, डिफरेंस का एक ऑप्शन दिखेगा तो इस पर आपको टैप कर देना होगा और उसके बाद आपको थर्ड में एक इफेक्ट मिलेगा सबट्रैक का, तो इसको आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ से आ जाना होगा बैक। आ जाने के बाद आपको फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना होगा, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है और ऊपर में आपको सर्च कर लेना है कॉपी बैकग्राउंड, तो CO लिख के आपको सर्च करना है। बस ये वाला इफेक्ट मिल जाएगा, इसको आपको ऐड कर लेना होगा और चले जाना होगा इसके स्टैंडर्ड सेटिंग पे। तो स्टैंडर्ड सेटिंग पे जाने के बाद कॉपी बैकग्राउंड पे एक बार टैप कर देना है, ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है और सेकेंड वाला इफेक्ट आपको ऊपर में उसी तरह सर्च कर लेना है गॉसियन ब्लर, तो GA लिख के बस आपको इतना ही सर्च करना है, ये वाला इफेक्ट मिल जाएगा, इसको आपको ऐड कर लेना होगा और चले जाना होगा इसके स्टैंडर्ड सेटिंग पे। स्टैंडर्ड सेटिंग पे जाने के बाद आपको फिर से आपको ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना होगा और लास्ट वाला इफेक्ट जो एक्सपोजर गामा, उसको आपको ऐड कर लेना होगा। तो आपको EX लिख के सर्च करना है, एक्सपोजर गामा का इफेक्ट जो है आपको मिल जाएगा, इसको आपको ऐड कर लेना है और चले जाना है इसके स्टैंडर्ड सेटिंग पे। बस सारा इफेक्ट जो है ऐड हो चुका है। अब इस वाले इफेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो गॉसियन ब्लर का जो स्ट्रेंथ है आपको इसको बढ़ा के 500 रख लेना है, ठीक है, 500-600 तक रख लेना है। तो मैं यहाँ पर इसको 600 रखने वाला हूँ। उसके बाद आपको गॉसियन ब्लर पर टैप कर देना होगा और एक्सपोजर और गामा का जो ऑप्शन है इस पर आपको चले जाना होगा और एक्सपोजर का जो यहाँ फर्स्ट में ऑप्शन है इसको आपको घटा के -51 या 50 तक आपको रख लेना है। नीचे में गामा का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको टैप कर देना होगा और इसको आपको घटा के 900 रख लेना है, ठीक है, 900 ही रख लेना आपको। उसके बाद नीचे में एक ऑफसेट का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर आपको चले जाना होगा और इसको आपको घटा के -0.3 तक रख लेना है। बस इतना रख लेने के बाद आपको अपने वीडियो वाले स्क्रीन पर एक बार टैप कर देना होगा और इस प्लस वाला आइकन पर चले जाना होगा और उसके बाद आपको स्क्वायर का शेप को ऐड कर लेना होगा और इस स्क्वायर का शेप को पूरी तरह से फिल कर लेना होगा। फिल करने के बाद कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर चले जाना होगा और यहाँ से आपको व्हाइट कलर को ले लेना होगा। व्हाइट कलर ले लेने के बाद यहाँ से आ जाना होगा बैक। आ जाने के बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर चले जाना होगा और यहाँ पर आपको स्लाइड करते हुए कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर आपको टैप कर देना है और फर्स्ट में एक इफेक्ट मिलेगा ओवरले का, इसको आपको ऐड कर लेना होगा। जैसे आप ऐड करोगे आपका वीडियो जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस वाले वीडियो में जो ये वाला इफेक्ट जो है अप्लाई हो चुका है और बाकी के पार्ट में आप देख सकते हो कि इफेक्ट जो है अप्लाई नहीं हुआ है। तो बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट देख सकते हो, वीडियो जो हमारा काफ़ी अच्छा क्वालिटी में बन चुका है।
अब इसको क्या करेंगे, इस वाले इफेक्ट को पूरी वीडियो में अप्लाई कर देंगे। तो पूरी वीडियो में अप्लाई करने के लिए यहाँ इस तरह टैप करके जो आँख का निशान दिख रहा है तीनों को मार्क कर लेंगे। अब वीडियो के लास्ट भाग पे जाके आपको यहाँ पर कोने में टैप कर देना होगा। जैसे आप टैप करोगे आपकी वीडियो में ये वाला इफेक्ट जो है पूरी वीडियो में अप्लाई हो जाएगा। तो बस आपका वीडियो जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको इस वाले वीडियो को सिंपल सा यहाँ पर टैप करके एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो आई होप आपको ये वाला ट्यूटोरियल जो है अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।